जी हमारे पास क्वेश्चन क्या देखा, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस पॉजिटिव टू आयन इज डी। तो जो हमारा वेलोसिटी किसके होता है, आर ओमेगा के एंगुलर मोमेंटम, तो ओमेगा क्या होगा वी अपॉन आर, और वी किसके इक्वल होता है जेड ई स्क्वायर अपॉन टू एन एच ई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो जो हमारा यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ये हो गया हमारा भी के इक्वल होता है, ये हमारा भी हो गया, और वन अपॉन आर किसके इक्वल होता है पाई एम जेड ई स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ठीक है यही होता है। तो हमारा यहाँ से जेड स्क्वेयर टू एन एच एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई एम जेड ई स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा जेड एम स्क्वेयर, ठीक है जेड ई स्क्वेयर, ठीक है तो हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा एम, ठीक है एम ई फोर, ठीक है ई स्क्वेयर, तो यहाँ से हमारा ई फोर हो जाएगा, ठीक है यहाँ से देखो जेड हो गया एम हो गया ई फोर हो गया, ठीक है तो ये जेड स्क्वेयर हो गया हमारा जेड स्क्वेयर, ठीक है यहाँ से जेड स्क्वेयर हो जाएगा एम एम ई फोर हो जाएगा, ये हमारा पाई हो गया, ठीक है पाई जेड स्क्वेयर ई फोर एम और हमारा पाई, ठीक है ये इतना हो गया, और नीचे टू एन क्यू एच क्यू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये भी इधर भी हमारा क्या होगा एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है तो ये हो गया हमारा स्क्वायर, तो यहाँ आ गया, ठीक है तो जो हमारा इतना आ गया, तो हमारे यहाँ पर एटॉमिक नंबर ये जेड है, हमारा जेड कितना दे रखा है थ्री, लिथियम का थ्री होता है, और किस में बोला है इलेक्ट्रॉन, तो हमारे यहाँ से सेकंड ऑर्बिट में बोला था एन इज इक्वल टू कितना हो गया टू हो गया, तो इसमें जो पुट करता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना था वन अपॉन फोर पाई के, ये इतना होता है, तो जेड की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो सिक्सटीन पाई के स्क्वायर पाई एम एन ई फोर अपॉन में टू इंटू एट एच क्यू, यहाँ से आ जाएगा हमारा नाइन पाई क्यू, ठीक है नाइन पाई क्यू के स्क्वायर एम ई फोर अपॉन में एच क्यू, हमारा यही आ गया आंसर नाइन पाई क्यू, अब हमारा यही आ गया रिलेशन में आंसर आ गया, ठीक है अब हम ऑप्शन के साथ मैच करें, हमारा क्या आया है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑप्शन के साथ मैच करते हैं, हमारा ऑप्शन किसके साथ मैच करता है नाइन पाई क्यू एम ई फोर के स्क्वायर एच अपॉन क्यू, तो हमारा डी के साथ मैच करता है, डी हो गया हमारा आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,